हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप रामायण से बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। आप रामायण से सुखी और सफल भी बन सकते हैं। दोस्तों, रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि यह मनुष्य को जीवन की सीख देता है। रामायण में जहां भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम कहा गया है, तो वहीं माँ सीता को पवित्रता दर्शाई गई है। लक्ष्मण और भरत दोनों ही अपने भाई के प्रति अथाह प्रेम दिखाया गया है। रामायण के हर चरित्र से कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति रामायण को पूजने के साथ साथ उससे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अनुसरण करे तो वह एक सफल जीवन व्यतीत कर सकता है। रामायण की कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिनमें जीवन का सार छिपा है। तो चलिए जानते हैं रामायण से मिलने वाली कुछ सीख। पहला, धैर्य और गंभीर बने। रामायण में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों ने ही 14 वर्षों तक विपरीत परिस्थितियों में भी संयम के साथ समय व्यतीत किया। रामायण की इस बात से सीख मिलती है कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में संयम बरतना चाहिए। जो व्यक्ति सुख और दुख के समय संयम और धैर्य बनाए रखता है, वह विषम परिस्थितियों से लड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। दूसरा, हमेशा एकता बनाए रखें। जब प्रभु श्री राम को वनवास दिया गया तो उनके भाई लक्ष्मण सभी सुखों का त्याग करके उनके साथ वन में चले गए और अपने भाई और भाभी को माता समान मानते हुए उनकी सेवा में 14 वर्ष व्यतीत किए। तो वहीं भरत ने श्री राम के खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर उनको शासन मानते हुए राजकाज संभाला। इससे सीख मिलती है कि परिवार में सदैव एकता रहनी चाहिए। भाई यदि भाई के साथ हो तो विषम परिस्थितियों को भी आसानी से पार किया जा सकता है। इसीलिए परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखना चाहिए। तीसरा, माता पिता की आज्ञा का करें पालन। अपने पिता की आज्ञा और वचन को निभाने के लिए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। इसे सीख लेनी चाहिए कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, हर संतान को अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता पिता ही इस पृथ्वी पर लाते हैं और आपको जीवन जीने के योग्य बनाते हैं। इसीलिए संतान वही योग्य है जो अपने माता पिता का ध्यान रखे और उनकी आज्ञा का पालन करे। माता पिता के आशीर्वाद से कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। एकता में शक्ति। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो राम जी ने उस समय अपना आत्मविश्वास नहीं खोए। उन्होंने सभी को एकत्रित करके समुद्र पर सेतु का निर्माण किया और रावण का वध करके माता सीता को वापस लाए। इसे सीख मिलती है कि यदि योजना बनाकर एकता के साथ कार्य किया जाए तो कठिन से कठिन कार्य भी पूरा किया जा सकता है और लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो के जरिए आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीख मिली होगी। अगर कुछ सीख मिली रहेगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच सके। धन्यवाद।